हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। सो आज हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में। लॉस्ट स्प्रिंग इज रिटन बाय एनीस जंग एंड द होल टाइटल इज लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। सो बेसिकली यहाँ पर ना जो ये वर्ड है स्प्रिंग, इट इज डिनोटिंग चाइल्डहुड, मतलब कि जो बच्चों का बचपन है वो लॉस्ट हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। और यहाँ पर ये ऐसे दो बच्चों की कहानी बताती है इस पूरे चैप्टर में। एक तो कहानी है साहिब आलम की, दूसरी कहानी है मुकेश की। और ये यहाँ बताती है कि किस तरीके से गरीबी की वजह से इन बच्चों का जो बचपन है, इन बच्चों का जो स्प्रिंग है वो जा चुका है, एंड गरीबी ने किस तरीके से इन बच्चों का जो चाइल्डहुड है वो स्टील कर लिया, मतलब चुरा लिया है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहां बताया कि दो बच्चों की कहानी है, तो सबसे पहले हम साहिब आलम की स्टोरी पढ़ेंगे, इसके बाद हम मुकेश की कहानी के बारे में जानेंगे। तो जो साहिब आलम है ये बेसिकली ढाका से है, राइट। अब ढाका कहां है? इट इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। तो ढाका है बांग्लादेश में और ये बांग्लादेश की कैपिटल है, राइट। सो हम कह सकते हैं कि साहिब आलम बांग्लादेश से है, लेकिन बांग्लादेश से ये यहाँ इंडिया में दिल्ली में सीमापुरी में क्यों रह रहा है? मतलब बांग्लादेश से ये आए इंडिया और इंडिया में ये कहाँ रहे? दिल्ली के एक आउटस्कर्ट एरिया में, विच इज सीमापुरी। तो दिल्ली में भी एक जगह है सीमापुरी, वहां पर, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ आप क्या किस तरीके से इस चीज को ध्यान रखेंगे कि साहिब आलम और इसकी फैमिली ढाका से सीमापुरी शिफ्ट हुए। तो सीमापुरी कहाँ है? इट इज इन दिल्ली। एंड ढाका कहाँ है? इट इज इन बांग्लादेश, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये ढाका से सीमापुरी क्यों आए? इसके पीछे रीजन ये है कि बांग्लादेश में ना 1971 में लिबरेशन वॉर हुआ था, तो इसकी वजह से बहुत सारे बांग्लादेशी पीपल जो थे ना वो इंडिया आए एज अ रेफ्यूजी। एंड उनमें से एक फैमिली किसकी थी? एक फैमिली उनमें से थी साहिब आलम की, ठीक है। साहिब आलम अब सीमापुरी अपनी फैमिली के साथ रहता है। ये क्या काम करता है? ये रैग पिकिंग करता है, ये रैग पिकर है एंड रैग पिकिंग का काम करता है। रैग पिकर का मतलब क्या होता है? वो लोग जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं, कूड़े में से जो भी वैल्यूएबल उनको चीजें मिलती हैं, जो भी कीमती सामान मिलता है उनको उस कूड़े से निकाल लेते हैं। तो ये काम होता है रैग पिकर का, मतलब कूड़ा शफल करना या फिर कूड़े को बीनने का काम, ठीक है। तो साहिब आलम एक रैग पिकर है। एंड नॉट ओनली साहिब आलम, जितने भी बांग्लादेशी पीपल सीमापुरी में रह रहे हैं वो सब रैग पिकिंग करते हैं, सब के सब रैग पिकर हैं। तो अब कहानी की शुरुआत कैसे होती है? एक्चुअली जैसा मैंने बताया कि साहिब आलम डेली क्या करता है? रैग पिकिंग करता है, कूड़ा बीनने जाता है। तो वो कूड़ा बीनने कहाँ जाता है? एनीस जंग के घर के पास में एक बहुत बड़ा गार्बेज डंप है, वहां पर वो डेली कूड़ा बीनने जाता है। और एनीस जंग डेली साहिब आलम को देखती है। तो एक दिन एनीस जंग ने साहिब आलम से पूछा, व्हाई डू यू डू दिस? तो वो यहां पूछ रही है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, मतलब तुम कूड़ा क्यों बीनते हो। तो इस बात पर साहिब आलम ने रिप्लाई किया, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, कि उसके पास कुछ और करने को है नहीं, इसीलिए वो कूड़ा बीनता है। तो इस बात पर एनीस जंग ने उससे पूछा कि क्या तुम स्कूल नहीं जाते? तो अब जब ये क्वेश्चन पूछ रही है कि क्या तुम स्कूल नहीं जाते, इसके थोड़ी देर बाद एनीस जंग को एकदम से ऐसे रियलाइज होता है कि उन्होंने एक होलो क्वेश्चन पूछा, एक ऐसा मीनिंगलेस क्वेश्चन, वो भी उस बच्चे से, उस रैग पिकर से जिसके पास फटे पुराने जूते भी नहीं है पहनने को, तो वो स्कूल कैसे अफोर्ड कर सकता है। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पूछ ही लिया था, पूछने के बाद एनीस जंग को रियलाइज हुआ कि उन्होंने थोड़ा सा मीनिंगलेस क्वेश्चन पूछा। तो अब एनीस जंग के इस क्वेश्चन पर, जब एनीस जंग पूछते कि क्या तुम स्कूल नहीं जाते, तो साहिब आलम रिप्लाई करता है कि मेरे घर के पास कोई स्कूल नहीं है और अगर स्कूल होता तो मैं जाता, राइट। तो कह रहा है कि मेरे घर के पास कोई स्कूल नहीं है, अगर कोई स्कूल बनाएगा तो मैं जाऊंगा। तो
तो अब एनीस जंग हाफ जोकिंग मैनर में पूछते हैं कि अगर वो स्कूल शुरू करे तो क्या तुम आओगे, मतलब क्या वो स्कूल में आएगा। तो इस बात पर साहिब आलम रिप्लाई करता है कि यस वो जरूर आएगा अगर वो स्कूल शुरू करेंगी तो। अब क्या होता है, एक इस कॉन्वर्सेशन के बाद एक दिन साहिब आलम को एनीस जंग दिखती है। तो वो साहिब आलम जो है ना एनीस जंग के पास भागा भागा आता है ये पूछने के लिए कि क्या आपने स्कूल शुरू कर दिया। तो जब वो आया और उसने पूछा कि क्या आपने स्कूल शुरू कर दिया, अब ये क्वेश्चन सुनते ही एनीस जंग को एक एम्बेरसमेंट फील होती है। उन्हें ये रियलाइज होता है कि उन्होंने ऐसा फॉल्स प्रॉमिस क्यों किया, एक ऐसा झूठा वादा जो वो कभी पूरा नहीं कर सकती। एंड साथ ही साथ उनको ये भी रियलाइज होता है कि बहुत सारे लोग शायद ऐसे झूठे प्रोमिसज इनसे करते होंगे और किसी ने अपने वादे पूरे नहीं किए होंगे। तो एनीस जंग ने जब ये क्वेश्चन सुना कि क्या स्कूल रेडी हो चुका, तो वो रिप्लाई करती है कि स्कूल बनने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर जब वो ये रिप्लाई करती हैं वो बहुत ही एम्बेरस्ड फील कर रही होती हैं। अब इसके बाद कुछ महीनों के बाद बेसिकली वो साहिब आलम को डेली देखती हैं, उसको जानने लगती हैं। तो अब वो उससे ना उसका नाम पूछती है, एनीस जंग कहती है कि आपका नाम क्या है, तो वो कहता है मेरा नाम साहिब आलम है। तो साहिब आलम का मतलब क्या होता है, एनीस जंग कहती है साहिब आलम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब इस यूनिवर्स का लॉर्ड, इस पूरे ब्रह्मांड का ईश्वर, इस पूरे ब्रह्मांड का भगवान, ठीक है। तो वो कहती है कि एनीस जंग कहती है कि साहिब आलम को ना अगर इसके नाम का मतलब पता चल जाए कि इसके नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, तो उसको विश्वास नहीं होगा कि इसके नाम का मतलब ये है। क्यों नहीं विश्वास होगा, क्योंकि साहिब आलम की रियलिटी क्या है, एक रैग पिकर की, लेकिन नाम का मतलब क्या है कि पूरे ब्रह्मांड का राजा, पूरे ब्रह्मांड का एक ईश्वर, एक देवता, राइट। तो इसलिए वो कहती है कि साहिब आलम को अगर उसके नाम का कोई मतलब बताएगा तो उसको रियलाइज ही नहीं होगा और उसको बहुत टाइम लगेगा ये समझने में कि उसके नाम का मतलब इतना बड़ा है। तो इसके पीछे भी वो रीजन यही कहते हैं कि रियलिटी क्या है, रियलिटी ये कि वो रैग पिकर है और उसके नाम का मतलब कुछ और है, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट। फिर वो आगे कहती है कि साहिब आलम को अपने नाम का मतलब तो पता नहीं होता, वो अपनी पूरी एक आर्मी, पूरी अपनी एक पलटन के साथ यहां वहां घूमता है कूड़ा बीनने के लिए, राइट। एंड जो उसकी ये आर्मी है, आर्मी का मतलब यहां क्या है कि साहिब आलम के साथ और भी बच्चे हैं, पूरी बच्चा पलटन जो है ना ये रैग पिकिंग का काम करते हैं, सारे के सारे रैग पिकर्स हैं, राइट। तो ये क्या करते हैं, रैग पिकिंग करते हैं। सो बेसिकली ये सभी बच्चे कूड़ा बीनने का काम करते हैं, इनके पाँव में चप्पल नहीं है पहनने को, इनके पाँव में जूते नहीं हैं, और अगर इनके पाँव में जूते होते भी हैं या तो वो फटे पुराने होते हैं या फिर उनमें कोई छेद होता है या फिर वो जूते ऐसे होते हैं जो मिसमैच होते हैं, मतलब एक जूते का कलर कुछ और दूसरे का कुछ और, ठीक है। अब एनीस जंग कहती हैं कपल ऑफ मंथ्स के बाद वो इस पूरी आर्मी, इस पूरे बच्चे की पलटन को जानने लग गई थी। तो इस पूरी बच्चा पलटन में से, मतलब जैसे कि यहाँ पर आप ये चार पांच बच्चे लगा लो, ठीक है, चलो छह कर दिए हमने बच्चे, तो इनमें से एक बच्चा है साहिब आलम, तो ये क्या है, ये लगा लो ये साहिब आलम है। अब जो ये पूरा ग्रुप है, इस ग्रुप में से एक बच्चे से एनीस जंग पूछती है, ठीक है, इस बच्चे से एनीस जंग पूछती है कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई। तो ये रिप्लाई करता है कि अगर कि इसकी मदर ने ना इसको चप्पल शेल्फ से उतार कर नहीं दी। तो इतने में ये दूसरा बच्चा रिप्लाई करता है कि अगर इसकी मदर ने इसको चप्पल दी भी होती ना तो ये फेंक देता। अब ये जो बच्चा है ना दूसरा, जो ये बात कहता है, इसने खुद ने ऐसे जूते पहने हैं जिनका कलर एक दूसरे से मैच नहीं करता। तो जब एनीस जंग इससे पूछते कि तुमने ऐसे अलग अलग कलर के जूते क्यों पहने हैं, तो यहाँ पर वो कुछ रिप्लाई नहीं करता, बस अपने पाँव को ऐसे शफल कर लेता है क्योंकि यहाँ पर वो अपने जूतों का कलर हाइड करना चाहता है। इतने में इसी ग्रुप में से एक तीसरा बच्चा है जो कहता है कि मुझे भी पेयर ऑफ शूज चाहिए। तो यहाँ पर एनीस जंग कहते हैं ये जो तीसरा बच्चा ने, इसने अपनी पूरी जिंदगी में अभी तक एक पेयर शूज नहीं पहना है, तो इसीलिए इसको अब शूज चाहिए, ठीक है। अब यहाँ एनीस जंग कहती है कि उन्होंने अक्रॉस कंट्री बहुत ट्रेवल किया है, वो बहुत जगह गई हैं, वो गांव में भी गई हैं, वो शहरों में भी गई हैं, लेकिन उन्होंने हर जगह ऐसे बच्चे देखे हैं जो नंगे पांव घूमते हैं। और जब भी वो उनसे ऐसे पूछती कि तुम नंगे पांव क्यों हो, उनको एक एक्सप्लेनेशन मिलता,
उनको ये एक्सप्लेनेशन मिलता है या ये आंसर मिलता सबसे कि भाई उनका ना ट्रेडिशन कहता है कि नंगे पांव रहो। तो यहाँ वो कहना चाहती हैं कि एक ट्रेडिशन कभी डिमांड नहीं कर सकता कि आप नंगे पांव रहो। तो यहाँ कहना चाहती हैं कि बेसिकली ये सब लोग जो है ना अपनी पॉवर्टी को अपनी गरीबी को छुपाने के लिए इसे ट्रेडिशन का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली किसकी बात हो रही है, शूज़ की, चप्पल्स की बात हो रही है। तो इसकी बात करते करते उसको एक स्टोरी याद आती है एनीस जंग को। एनीस जंग को एक ऐसी स्टोरी याद आती है जो उसको किसी ने 30 साल पहले सुनाई थी। और किसने सुनाई थी, एक यंग बॉय जो उडीपी से था। उडीपी इज इन कर्नाटका स्टेट। और 30 साल पहले ये कहानी एनीस जंग ने सुनी थी। तो क्या कहानी थी, एक्चुअली एक बच्चा था, वो जब भी स्कूल जाता, ठीक है, वो जब भी स्कूल जाता तो वो ना बीच में जो मंदिर पड़ता था उस मंदिर में उसके जो फादर थे वो पुजारी थे। तो जब भी वो बच्चा स्कूल जाता मंदिर में जाकर वो हमेशा प्रे करता उस पुजारी का बेटा कि भगवान मुझे एक पेयर जूता दे दो, भगवान मुझे एक पेयर जूता दे दो। और भगवान ने उसकी सुन भी ली, एक दिन उसे जूते दे भी दिए। लेकिन जूते मिलने के बाद भी वो डेली प्रे करता कि भगवान मुझसे जूते कभी मत लेना, भगवान मुझसे जूते कभी गुम मत करा देना। तो यहाँ हमें ये पता चलता है एक पुजारी का बेटा जिसके पास जूते नहीं थे वो डेली प्रेयर करता है जूतों के लिए, लेकिन जब उसे जूते मिल जाते हैं वो तब भी प्रेयर करता है कि उसे जूते कभी दूर ना हो। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि जूते मिलने से पहले, जूते मिलने के बाद वो प्रेयर करता है क्योंकि उसके मन में एक फियर होता है, क्योंकि जब उसके पास जूते आ जाते हैं इट इज़ लाइक ड्रीम कम ट्रू फॉर हिम। तो अब 30 साल के बाद वो डिसाइड करते हैं उसी टाउन में उडीपी में दोबारा जाने का। तो वो एनीस जंग जो है ना वो दोबारा उडीपी जाती हैं, उसी मंदिर में भी दोबारा विजिट करती हैं। अब उस मंदिर में हालांकि कोई नहीं रहता लेकिन मंदिर के बैकयार्ड में एक नया पुजारी आ गया है। अब वो उस नए पुजारी के बच्चे को देखती हैं, तो जो नए पुजारी का बेटा है ना उसके पास जूते भी हैं, उसके पास ग्रे यूनिफॉर्म है, उसके पास सॉक्स है, उसके पास शूज़ है, वो स्कूल जाता है। तो यहाँ वो कह रही है कि इस पुजारी का बेटा जो 30 साल के बाद ये बात कर रही है, देखो 30 साल से पहले ये कह रही है कि जो ओल्ड प्रीस्ट था जिससे ये 30 साल पहले मिली थी, इसका बेटा डेली प्रेयर करता था जूतों के लिए, ठीक है, जूते मिलने के बाद भी प्रेयर करता था। अब 30 साल के बाद जब वो एक नए पुजारी को देखते हैं, कोई नया पुजारी वहां आ गया है, तो 30 साल के बाद वो ये देखती है इसके बेटे को प्रेयर करने की जरूरत ही नहीं है, इसके पास तो ऑलरेडी जूते हैं। तो यहां वो कहना चाहती हैं कि इन 30 सालों में एक पुजारी की जिंदगी में देखो कितने चेंजेस आए। पहले पुजारी के बच्चों के पास जूते नहीं होते थे, अब धीरे धीरे पुजारी जो हैं, प्रीस्ट जो हैं, इन लोगों की लाइफ भी डेवलप हो रही है, इनके बच्चों के पास जूते आ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं आराम से। लेकिन यहाँ वो एक्चुअली कहना ये चाहती हैं कि विद सर्टेनिटी लोगों की जिंदगी में बदलाव होते हैं, अच्छे बदलाव होते हैं, बट ये रैग पिकर्स की जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं होते। तो यहाँ वो प्रीस्ट की कहानी से कहना चाह रही हैं, हमें बताना चाह रही हैं कि 30 साल पहले पुजारी की जो हालात थे वो आज के टाइम पर हालात आपको देखने को नहीं मिलेंगे, राइट? तो पहले उस बच्चे के पास जूते नहीं थे, जूते मिल गए, ठीक है, मिल गए जूते, राइट? भले ही उसने प्रेयर करी उसके बाद भी कि जूते उससे कभी दूर ना जाएं, फिर भी उसे जूते मिल गए। लेकिन 30 साल के बाद अब वो एक नए ऐसे पुजारी की कंडीशन देखती है जिसमें वो ये महसूस करती हैं कि देखो पुजारी की जिंदगी में 30 साल के बाद कितने चेंजेस आ जाते हैं। हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छे चेंजेस आते हैं। अब इस बच्चे को प्रेयर करने की जरूरत ही नहीं है कि उसे जूते दे दे भगवान, उसके पास तो ऑलरेडी जूते हैं। तो यहाँ वो कहती हैं कि रैग पिकर्स ऐसे लोग हैं, इनकी जिंदगी में कभी कोई बदलाव नहीं आता। ये 30 साल पहले भी ऐसे थे, 30 साल के बाद भी ऐसे हैं। 30 साल पहले भी इनके पास जूते नहीं थे और 30 साल के बाद भी इनके पास जूते नहीं हैं। तो यहाँ पर वो एक कंपैरिजन बता रही है, ठीक है। फिर इसके बाद बात होती है हाँ जी, तो फिर एक्चुअली ये क्या कहती हैं, ये कहती हैं कि इस पूरे ग्रुप को जब ये जानने लग गई थी, मतलब जो ये पूरा आर्मी पलटन था किसका, साहिब आलम का, वो सब जो है हमारी ऑथर एनीस जंग को सीमापुरी लेकर जाते हैं। तो
तो वो सीमापुरी जब जाती हैं तो वो सीमापुरी के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं सीमापुरी वैसे तो दिल्ली के पेरीफ्री पे है, मतलब दिल्ली के बॉर्डर पे किनारे पर है, बट मेटामॉर्फिकली ये दिल्ली का पार्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब हुआ ये, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। आई होप इट इज विजिबल टू यू ऑल। एनी वे अब देखो यहां पर सपोज करो ये दिल्ली है, ठीक है, ये एक दिल्ली है। अब दिल्ली का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला ये है आउटस्कर्ट एरिया। आउटस्कर्ट मतलब बिल्कुल बॉर्डर पे, बिल्कुल किनारे पे। तो यही क्या है, ये है सीमापुरी, ध्यान रखना। और ये एरिया क्या है, ये दिल्ली का सेंट्रल एरिया है। तो यहां ये कहना चाह रही है कि देखा जाए तो सीमापुरी दिल्ली के अंदर आता है, लेकिन ये दिल्ली से दूर है। यहां ये कहना चाह रही है कि जो लोग यहां रहते हैं सेंट्रल एरिया में, उन लोगों की कंडीशन बहुत अच्छी है, उनके पास घर है, सीवेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है। लेकिन जो लोग सीमापुरी में रहते हैं इनकी कंडीशन बहुत ही बेकार है। ये लोग मड हाउसेस में रहते हैं, इनका खाने का इंतजाम प्रॉपर नहीं हो पाता। तो यहां पर वो कहना चाहती हैं कि भले ही सीमापुरी दिल्ली का पार्ट है, लेकिन ये दिल्ली से अलग इसलिए है क्योंकि अगर ये सीमापुरी दिल्ली का पार्ट होता तो यहां पर लोगों की कंडीशन भी अच्छी होती, सीमापुरी के हालात भी अच्छे होते। लेकिन इसके हालात कैसे हैं सीमापुरी के, आज भी बदतर ही हैं। तो वो कहना चाह रही हैं कि जो दिल्ली के लोग हैं ना, उनकी कंडीशन सीमापुरी में रहने वाले लोगों की कंडीशन से बिल्कुल अलग है। दो सीमापुरी दिल्ली का पार्ट है, लेकिन ये मेटामॉर्फिकली दिल्ली से बहुत ही दूर है, क्योंकि सीमापुरी में रहने वाले लोगों के पास तो बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं है। सो इट्स अ फार क्राई अबाउट हैविंग द हाउसेज, उनके पास तो बेसिक फैसिलिटी ही नहीं है। फिर आगे वो बताती हैं कि सीमापुरी में ये लोग आकर रहे, ये सब लोग जो आकर वहाँ रहे वो बिना परमिशन के रहे थे। जितने भी बांग्लादेशी 1971 में सीमापुरी आए थे ना, वो सब के सब क्या थे, स्क्वाटर्स थे। स्क्वाटर्स का मतलब इनके पास कोई लीगल परमिशन नहीं थी रहने की, गवर्नमेंट ने इनको परमिशन नहीं दी थी, लेकिन ये जो है वहां पर स्टैब्लिश हो गए। फिर वो कहते हैं कि वो वहां स्टैब्लिश क्यों हुए थे, क्योंकि सीमापुरी ना वाइल्डर प्लेस था उस टाइम पर। वाइल्डर प्लेस का मतलब वहां कोई नहीं रहता था, दिल्ली के लोग वहां रहते ही नहीं थे सीमापुरी। तो वो कहती हैं कि सीमापुरी उस टाइम पर वाइल्डर प्लेस था, एम्प्टी प्लेस था, और ये सब बांग्लादेशी पीपल वहां एज अ रेफ्यूजी रहने लग गए। फिर वो कहती हैं कि आज के टाइम पर अगर तुम सीमापुरी जाओगे तो ये नो मोर वाइल्डर प्लेस, आई मीन ये आज के टाइम पर अबेंडन या एम्प्टी एरिया नहीं है, बल्कि आज के टाइम पर 10,000 रैग पिकर्स वहां रहते हैं। फिर वो कहते हैं इन सब के जो घर हैं वो मड से बने हुए हैं, और छत का इंतजाम ये कैसे करते हैं, एक्चुअली छत के ऊपर ना इन्होंने दो शीट डाली हुई है, एक तो टिन की शीट डाली हुई है, एक टारपोलिन का एक प्लास्टिक शीट आती है जिससे पानी जो है वो लीक नहीं होता, वो डाली हुई है। फिर ये कहती हैं कि यहां पर ना सीवेज सिस्टम है ना ड्रेनेज सिस्टम है। फिर वो एक चीज और कहती हैं, इन लोगों के पास ना आईडी कार्ड है ना आधार कार्ड है, इनके पास है बस राशन कार्ड। यहां वो कहती हैं इनके पास राशन कार्ड इसलिए है क्योंकि राशन कार्ड के थ्रू इनका नाम वोटर लिस्ट में चला जाता है, तो पॉलिटिशियंस को जो है ये वोट देते हैं, और जिसको ये वोट देंगे उससे इनको फायदा मिलता है। देखो कैसे होता है कि इनके पास आईडी कार्ड नहीं है, राइट, एंड देखो देखा जाए तो आईडी कार्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, नो। तो इनका कहने का मतलब है कि इनके पास ना आईडी कार्ड इसलिए नहीं है क्योंकि इनके लिए खाना, पेट भरना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, ना कि आईडी कार्ड। फिर वो हमें एनीस जंग बता रही है कि इनके पास ना राशन कार्ड होता है, राशन कार्ड के थ्रू इनका नाम वोटर्स लिस्ट में चला जाता है। अब राजा लोग कह रही हूं मैं, राजनेता लोग जो है वो इनके पास आते हैं, इनको कहते हैं कि तुम हमें वोट देना। तो अब देखो ये उन नेताओं को वोट देते हैं, बट उसके बदले इनको राशन कार्ड मिलता है। राशन कार्ड दिखाकर इनको या तो फ्री में खाना मिल जाता है या फिर बहुत ही सस्ते दामों पर मिलता है, बट खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर वो यहां पर कहती है कि सीमापुरी में ना उन्होंने कुछ ऐसी ग्रुप ऑफ विमेन को देखा जो टैटर्ड साड़ीज में थी। टैटर्ड का मतलब होता है फटी पुरानी मैली साड़ियां,
और उन ग्रुप ऑफ विमेन से जाकर एनीस जंग बात करती हैं और पूछती हैं कि आप लोग ढाका क्यों छोड़ कर आए, ढाका में आप लोगों के घर भी थे, ढाका में आप लोगों के पास आपके खेत खलिहान भी थे, आप वो छोड़कर यहाँ क्यों आए हो। तो इस बात पर ये सब लेडीज रिप्लाई करती हैं कि देखो बात ऐसी है, हम ऐसी जगह रहेंगे ना जहां पर भले ही हमारे पास रहने को घर ना हो बट हमारे बच्चे और हम लोग भूखे पेट नहीं सो रहे। तो कहने का मतलब है, ये कहना चाहती है कि हमारे लिए खाना इंपॉर्टेंट है ना कि घर। अगर हम ढाका में होते, वहां पर हमारे पास घर होता लेकिन खाना नहीं होता तो क्या फायदा ऐसी जगह रहने का। तो यहां पर वो कह रही है कि इसीलिए सीमापुरी इज बेटर देन ढाका, क्योंकि सीमापुरी में भले ही इनके पास कच्चे पक्के मकान है, एक ऐसी छत है जिसमें से पानी बहता रहता है, भले ही बहुत ही कच्चे कच्चे मकान है, लेकिन ये और इनके बच्चे बिना पेट दर्द के, क्योंकि भूख के मारे पेट दर्द होता है राइट। तो वो कह रही है भूख के मारे जो पेट दर्द होता है ना वो सहन नहीं होता, तो इनको खाना मिलता है बिना पेट दर्द के, इनके बच्चे सो जाते हैं, इससे ज्यादा इनको क्या चाहिए। ऑलराइट, तो इसीलिए वो कहती हैं सभी लेडीज कि हम सीमापुरी इसीलिए रहना चाहते हैं क्योंकि यहां पर हमें भरपेट खाना मिलता है। फिर हमें एनीस जंग कहती हैं कि इनको जहां जहां खाना मिलता है ना ये वहां वहां अपना जो टेंट है वो अपना लगा देते हैं एंड अपना घर बना लेते हैं, इसलिए इनके घर भी ट्रांजिट होते हैं, मतलब टेम्परेरी होते हैं। फिर वो आगे कहती हैं कि जो रैग पिकिंग है, जो गार्बेज है, वो इनके लिए अलग मतलब रखता है। देखो जो ये बच्चे हैं ना, इनके लिए गार्बेज एक गोल्ड है, एक रैप इन वंडर है। इनको डेली डेली नई नई चीजें मिलती है, बच्चे एक्साइटेड होते हैं ना नई नई चीजें मिलने पर, तो इन बच्चों के लिए ये गार्बेज एक रैप इन वंडर है, बट इनके पेरेंट्स के लिए इस गार्बेज का मतलब है सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना कि बच्चों के, इन सीमापुरी में जो ये बच्चे है ना, इनके पेरेंट्स के लिए गार्बेज का मतलब है सिर्फ सर्वाइवल, डेली ब्रेड्स का साधन कि भाई उससे इनको भरपेट खाना मिल रहा है, लेकिन इन बच्चों के लिए इस गार्बेज का मतलब कुछ और है। क्या है? रैप्ड इन वंडर एंड गोल्ड। अब आगे वो कहती है कि साहिबे आलम ने ना एनीस जंग को बताया, जब ये सीमापुरी में थी तो बताया कि ना उसको गार्बेज में कभी कभी एक रुपया तो कभी कभी 10 रुपए का नोट मिल जाता है। तो यहां पर एनीस जंग देखती है कि किस तरीके से जब वो बात बता रहा है 1 रुपये और 10 रुपये के बारे में, उसकी आंखों में ना एक चमक आ जाती है। किसकी आंखों में? साहिबे आलम की आंखों में। फिर कुछ दिनों के बाद वो देखती हैं कि साहिबे आलम ना एक टेनिस गेम देख रहा था, हालांकि वो जो टेनिस गेम है बेसिकली वो उसकी रीच के बिल्कुल बाहर है। तो जब वो टेनिस गेम देख रहा था ना, तो यहाँ पर साहिबे आलम एनीस जंग को कहता है आई लाइक दिस गेम, वो कहते हैं कि मुझे एक गेम पसंद है, लेकिन उसे गेम का नाम नहीं पता कि ये टेनिस है, बस वो उनको देखे जा रहे हैं खेलते हुए और एनीस जंग को कहते हैं कि मुझे ये गेम पसंद है। फिर वो ये भी बताता है कि वैसे भी जब कोई यहाँ नहीं होता ना तो जो ये गेट कीपर है ये मुझे अंदर भी आने देता है और मुझे झूला भी झूलने देता है। अब यहाँ एनीस जंग ये देखती है कि साहिबे आलम ने वाइट जूते पहने हुए हैं, टेनिस के जो जूते होते हैं ना वाइट कलर के, वो पहने हुए हैं, मतलब टेनिस गेम खेलते वक्त जो जूते पहनते हैं बेसिकली वो जूते पहने हुए हैं, बट उन जूतों में हल्का सा होल है, हल्का सा छेद है राइट। तो जब वो उससे उन जूतों के बारे में पूछते हैं तो साहिबे आलम रिप्लाई करता है ये जूते उसको किसी ने दिए थे। तो यहाँ एनीस जंग कहती है कि ऑब्वियसली वो जूते डिस्कार्डेड लग रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने यूज करके फेंक दिए हो। फिर वो ये भी कहती हैं कि देखो इन जूतों में छोटा सा छेद हो रखा है, लेकिन ये जो छोटा सा इसमें होल हो रखा है ना जूतों में, वो साहिबे आलम को बिल्कुल बोदर नहीं कर रहा, बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा, ये बड़ी खुशी खुशी इन जूतों को पहनकर घूम रहा है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो हमेशा नंगे पांव रहे हैं उनके लिए एक पेयर जूता मिलना ड्रीम कम ट्रू है राइट। फिर वो कुछ दिनों के बाद साहिबे आलम को देखती हैं। साहिबे आलम उस टाइम पर एक टी स्टॉल पर काम कर रहा होता है, तो साहिबे आलम एनीस जंग को देखता है और उसको बताता है कि देखो मैं वहां टी स्टॉल पर काम कर रहा हूं, मुझे 800 रुपए पर महीना मिल रहा है और मुझे खाना भी मिल रहा है। तो अब जो है ना वो देखती है कि भाई साहिबे आलम जो है ना वो खुश नहीं है। एनीस जंग हमें यहाँ ये बताती हैं कि भले ही साहिबे आलम को 800 रुपए पर महीना मिल रहा है, भले ही इसको भरपेट खाना मिल रहा है, लेकिन ये खुश नहीं है। इसके पीछे रीजंस क्या है?
इसके पीछे रीजन ये है, अभी वो किसी और के अंडर काम करता है, अपनी जिंदगी का खुद का मालिक नहीं है। तीसरा, वो केयर फ्री लुक इसका चला जाता है। देखो, जब भी ये रैग पिकिंग करता था, ये यहाँ वहां मस्ती में घूमता रहता था, राइट, ये अपनी जिंदगी का खुद का मालिक था, केयर फ्री घूमता था। और जो प्लास्टिक बैग ये लेता था ना, वो प्लास्टिक बैग इसका खुद का था, मतलब जो रैग पिकिंग करता था ना जब ये, तो वो जो रैग इसका होता था, जो प्लास्टिक बैग होता था जिसमें वो सामान डालता था शफल कर करके, कूड़ा बीन बीन के, तो वो जो सामान डालने वाली बोरी थी या सामान डालने वाला जो प्लास्टिक बैग था ना, वो इसका खुद का था, इसलिए वो कभी भारी नहीं लगा। लेकिन आज के टाइम पर इस बच्चे ने जो स्टील का कैनिस्टर पकड़ा हुआ है, वो इसे भारी लग रहा है। क्यों भारी लग रहा है? क्योंकि ये स्टील का कैनिस्टर इसका नहीं है, बल्कि ये इस चाय की दुकान का जो मालिक है, ये उसका कैनिस्टर है। तो यहां वो बेसिकली कहती है कि स्टील कैनिस्टर वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसके प्लास्टिक बैग से हल्का ही था, लेकिन उसे ये प्लास्टिक बैग जो कि वाकई में भारी होता था, वो उसे हल्का लगता था। क्यों? क्योंकि वो खुद का बैग उठाता था, लेकिन जो स्टील कैनिस्टर है जो कि लाइटर है, इतना ज्यादा उसमें वेट नहीं है, लेकिन उसे वो हैवी लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो स्टील कैनिस्टर है किसी और का है। फिर वो कहती है कि ये जो बेसिकली साहिब आलम है, ये अपनी जिंदगी का आप खुद का मालिक नहीं है, ना ही इसका कोई केयर फ्री लुक है अभी, क्योंकि रैग पिकिंग करते वक्त ये सुबह निकलता, रैग पिकिंग करता, आफ्टरनून में घर चला जाता, लेकिन अब तो इसको क्या करना पड़ रहा है, टी शॉप पर काम करना पड़ रहा है दिन रात, राइट। फिर आगे वो यहां हमें बताते हैं, दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। फिर वो हमें ये कहते हैं कि किस तरीके से जो पॉवर्टी है ना, वो बच्चों का इनोसेंस चुरा लेती है, जैसे कि साहिब आलम के साथ हुआ। क्या हुआ साहिब आलम के साथ? कि देखो, रैग पिकिंग करता था, खुश था, भले ही रैग पिकिंग में उसको, उसके पास पैसा ना आए, उसको भरपेट खाना ना मिले, लेकिन वो खुश था, राइट, वो अपनी जिंदगी का खुद का मालिक था। लेकिन गरीबी की वजह से उसको जॉब करनी पड़ी, राइट, लेकिन वो यहाँ खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो किसी के अंडर काम कर रहा है। तो यहाँ वो कहती है कि किस तरीके से पॉवर्टी की वजह से बच्चों का एक्सप्लोइटेशन होता है, पॉवर्टी की वजह से बच्चों का जो बचपन है वो चला जाता है। तो जो सेकंड स्टोरी है, ये है मुकेश के बारे में। एंड मुकेश जो है, ये बेसिकली फिरोजाबाद से बिलोंग करता है। एंड मुकेश की स्टोरी को नाम दिया है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। जैसे कि हमने साहिब आलम की स्टोरी में क्या देखा था, कि इन्होंने नाम दिया था समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन गार्बेज, राइट। अब यहां पर ये मुकेश की स्टोरी को नाम दे रही है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो देखो, कहानी की शुरुआत कैसी होती है। जो मुकेश है ना, वो हमारी ऑथर एनीस जंग को कहता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो उस टाइम पर एनीस जंग उससे पूछती है कि क्या तुमको कार्स के बारे में पता है, तो वो रिप्लाई करता है कि वो कार चलाना सीख लेगा, राइट। अब यहाँ एनीस जंग कहती हैं कि देखो, ये जो बच्चा है ना मुकेश, इसका सपना क्या है, इसका एक ड्रीम है कि ये मोटर मैकेनिक बने, कार चलाना भी सीखे। लेकिन फिरोजाबाद एक ऐसा टाउन है इंडिया में जहां पर हर दूसरे घर में बैंगल मेकिंग का काम होता है। बैंगल मेकिंग मतलब कांच की चूड़ियां बनाने का काम होता है, राइट। तो वो कहती हैं कि फिरोजाबाद में हर एक घर में आप देखेंगे कि हर एक फैमिली का हर एक मेंबर बैंगल मेकिंग का प्रोसेस करता है, मतलब बैंगल मेकिंग बिजनेस में है, चाहे वो छोटा है बच्चा, बड़ा है, या मिडिल एज का है, यंग बॉय यंग गर्ल, एवरीबडी इज बिजी इन दिस बैंगल मेकिंग प्रोसेस बिजनेस, ऑलराइट। तो वो कहती हैं कि एक ऐसा टाउन जहां जो सिर्फ और सिर्फ बैंगल मेकिंग के लिए ही फेमस है, और ऐसे लोगों के बीच में मुकेश का सपना है कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा, जहां पर यंग बॉयज यंग गर्ल छोटे बच्चे सब लोग कांच की चूड़ियां बनाने में लगे रहते हैं, और ऐसे एनवायरमेंट में जो मुकेश का सपना है ना, वो एक मिराज लगता है। मतलब मिराज का मतलब ये होता है कि सोचने में तो वो लगेगा कि पॉसिबल है, बट इन रियलिटी प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई शी सेज दिस? बिकॉज फिरोजाबाद में किसी में इतना डेयर नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है
कि वो कोई दूसरा बिजनेस पकड़ ले। हर एक इंसान वहां पर बैंगल मेकिंग का काम करता है, बैंगल मेकिंग प्रोसेस में है। और इनके बीच में मुकेश भी है, इसकी फैमिली भी है जो कि बैंगल मेकिंग में है। सो बेसिकली ये कहते हैं कि जो मुकेश है ना, उनका मन है कि वो मोटर मैकेनिक बने, और ऐसे एनवायरमेंट में ये सपना ऐसा लगता है शायद कभी पूरा ना हो, क्योंकि सोचने में तो पॉसिबल लगता है लेकिन रियलिटी में देखा जाए ये मिराज है, अनरियलिस्टिक होप बेसिकली इज नोन एज मिराज। फिर वो कहती हैं कि फिरोजाबाद में इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर आपको देखने को मिलेगा। मतलब ऐसे लगता है जैसे कि इतनी बैंगल मेकिंग वहां होती है फिरोजाबाद में कि भाई जितनी दुनिया भर की लेडीज है ना, शायद सबके लिए कांच की चूड़ियां शायद फिरोजाबाद से ही जाती होंगी, ये कहती हैं हमें वो। फिर वो बताती हैं कि फिरोजाबाद में जो है बहुत पहले से जो है ग्लास का काम होता आ रहा है, मतलब कांच की चूड़ियां बनाने का काम होता आ रहा है, और जिसमें जो फैमिलीज हैं, इनके मेंबर्स हैं, इन्होंने अपनी जनरेशन टू जनरेशन यही काम किया है, किसी ने इसके अलावा कोई काम किया नहीं है, राइट। फिर वो कहती हैं कि फिरोजाबाद में हर छोटा बच्चा जो है बेसिकली इस बैंगल मेकिंग प्रोसेस में है। इनमें से किसी को ये नहीं पता फिरोजाबाद में स्पेसिफिकली, अगर मुकेश की फैमिली की बात की जाए, इनको किसी को नहीं पता कि भाई बच्चों के लिए ऐसी जगह काम करना इलीगल है। कैसी जगह काम करना? जहां पर हॉट टेम्परेचर होता हो, ऐसे कारखानों में काम करना जहां पर अंधेरा ही अंधेरा हो, डिंजी सेल्स का मतलब अंधेरा हो। फिर वो कहती हैं ऐसी जगह काम करना इलीगल है जहां पर ना लाइट आती है और ना एयर आती है। एंड यहां पर क्या होता है फिरोजाबाद में, इन बच्चों को फोर्स किया जाता है कि इनको इसी बिजनेस में आना है, और वो इसी बिजनेस में दिन रात ये छोटे बच्चे जो हैं लगे रहते हैं इस काम में करते हुए, ये लगे रहते हैं, राइट, मतलब बैंगल मेकिंग प्रोसेस में ये लगे रहते हैं। वो भी कहां बैठकर ये करते हैं? हाई टेम्परेचर होता है रूम में, रूम डार्क होते हैं, एंड ये छोटे बच्चे जहां बैठते हैं ना एयर होती है ना लाइट होती है। ऐसी जगह काम करना इलीगल माना जाता है, ये कानून के खिलाफ है। लेकिन अगर ये लॉ, ये कानून अगर इंप्लीमेंट कर दिया जाए, एनफोर्स कर दिया जाए फिरोजाबाद में, तो आपको कम से कम 20,000 बच्चे मिलेंगे जो इन कारखानों में बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। तो यहां पर अनीश जंग कहती है कि वैसे तो इन लोगों को पता ही नहीं है कि ये इलीगल है बच्चों से काम कराना, लेकिन अगर हम ये कानून को अप्लाई कर दें तो हमें 20,000 लगभग बच्चे मिलेंगे जो दिन रात यहां लगे रहते हैं बैंगल मेकिंग प्रोसेस में। और देखो होता क्या है ना, ये बच्चे दिन रात 24/7 इन डिंजी सेल्स में काम करते हैं, तो सारा दिन ये अंधेरे में रहते हैं, राइट। तो इनकी आंखें जो है ना वो अंधेरे में एडजस्ट हो जाती है, और सनशाइन मतलब सूरज की किरणों को ये टॉलरेट नहीं कर पाते। तो एडल्ट एज में आते आते ना क्या होता है कि इनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। फिर वो कहती है कि ये 20,000 बच्चे जो दिन रात काम करते हैं, इनमें से बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं बिफोर रीचिंग द एडल्ट एज दे लूज देयर आईसाइट, देयर ब्राइटनेस। फिर वो बताती हैं कि मुकेश जो है ना उसकी आंखों में एकदम से चमक आ जाती है। कब? जब मुकेश ये चाहता है एनीस जंग से कि भाई वो उसके घर विजिट करे, तो मुकेश ना एनीस जंग को अपने घर लेकर जाना चाहता है, और साथ ही साथ मुकेश एनीस जंग को कहता है कि चलो मेरे घर चलो, क्योंकि ना मेरा घर अभी अभी रेनोवेट हुआ है। तो एनीस जंग भी जाती है उसके साथ, ठीक है। तो एनीस जंग कहां जाती है? फिरोजाबाद, ठीक है। आप यहां ध्यान रखना, देखो साहिब आलम के टाइम पर वो कहां गई थी? सीमापुरी गई थी, लेकिन मुकेश की स्टोरी में एनीस जंग कहां जाती है? फिरोजाबाद जाती है। कौन लेकर जाता है यहां पर उनको? मुकेश लेकर जाता है, ठीक है। अब एनीस जंग डिसाइड करती है कि वो फिरोजाबाद जाएंगे। जब वो फिरोजाबाद जाते हैं ना, वो देखते हैं कि वहां पर लेन्स मतलब जो गलियां है ना वो बहुत ही पतली पतली हैं, एंड स्टिंकिंग गलियां हैं, मतलब बहुत बदबू आ रही होती है। क्यों? क्योंकि हर जगह आसपास जो है गार्बेज है, स्ट्रीट पर गार्बेज स्कैटर्ड है, लिटर्ड है, राइट। फिर वो कहती है कि वहां पर जितने भी घर थे ना फिरोजाबाद में, सभी घर की जो दीवारें थी वो क्रम्बल्ड थी, क्रम्बल्ड मतलब ऐसे लग रहा था मानो अभी गिर जाएंगी। फिर वो कहती हैं कि डोर्स भी वोबली थे, वोबली मतलब अनस्टेडी डोर्स थे। फिर वो कहती हैं कि हर घर में आदमी लोग तो रह ही रहे थे, उनके साथ साथ उनके एनिमल्स भी रह रहे थे। ऐसे लग रहा था फिरोजाबाद जैसे कि प्री हिस्टोरिक एरा है, मतलब सब लोग ऐसे रह रहे थे, कोई सिविलाइज सिस्टम नहीं था रहने का, मतलब सब लोग अपने एनिमल्स के साथ एक ही जगह घर में रहते थे, और इतनी भीड़ हो जाती थी घर में। तो वो कहती है कि उनको देखकर उनको प्रिमिवल स्टेट की याद आ जाती है कि पहले के टाइम पर जब लोग रहा करते थे। फिर वो कहती हैं
कि हालांकि ये जो फिरोजाबाद टाउन है इसमें हर एक जो घर है वो होवेल्स हैं, स्लम एरिया की तरह बने हुए हैं, ऐसे ही एक घर के आगे जाकर जो है इन ये रुकता है, मुकेश रुकता है, और मुकेश जब वहां रुकता है तो वो उस दरवाजे को पुश करता है अपने पांव से। फिर एनीस जंग एंड मुकेश दोनों उस शैक में घुस जाते हैं, मतलब उस हाफ बिल्ट हट में घुस जाते हैं। अब यहां ध्यान रखना, मुकेश ने क्या कहा था कि अभी अभी उसका घर रेनोवेट हुआ है, लेकिन एनीस जंग क्या देखती है कि वो हाफ बिल्ट शैक है, मतलब वो प्रॉपरली रेनोवेट भी नहीं है, लेकिन इस गरीब बच्चे को थोड़ा सा भी घर में मरम्मत हुई तो इसे लगा कि बहुत अच्छे से रेनोवेट हो गया, राइट? तो यहां पर बच्चे की इनोसेंस दिखाई है। फिर वो कहती है कि जब वो मुकेश के घर जाती है, उन्हें एक साइड दिखता है कि भाई एक साइड फायरवुड रखा हुआ है जो थैश्ड ग्रास से बना हुआ था, एंड उसके ऊपर स्पिनिच पकड़ी थी, स्पिनिच की सब्जी। दूसरी तरफ वो देखती है ग्राउंड पर एक एल्यूमिनियम का बहुत बड़ा प्लेटर रखा और उस पर सब्जियां कटी हुई थी। फिर वो कहती है कि ये सब काम करने के लिए वहां पर एक यंग लेडी बैठी हुई थी जो कि फ्रेल थी, मतलब बहुत ही दुबली पतली एक फीबल सी लड़की बैठी हुई थी जो कि ज्यादा एज में नहीं थी। फिर उनको पता चलता है कि वो लड़की जो है ना, जो खाना पका रही है, वो इनके घर की डॉटर इन लॉ है, मतलब मुकेश की भाभी है या मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है, या ये कह लो मुकेश के घर की बहू है, राइट? तो अब क्या होता है कि ये जो डॉटर इन लॉ है, राइट, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, जो मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ है, ये तीन लोगों का ध्यान रखती है। किस किस का ध्यान रखती है? देखो, मुकेश के फादर हो गए, मुकेश का बड़ा भाई हो गया जो कि इस लेडी का हस्बैंड है, एंड देन मुकेश हो गया। ये तीन लोगों का ये ध्यान रखती है, तीन लोगों के लिए खाना बनाती है। फिर यहाँ एनीस जंग में बताती है कि इनके घर में ना एक ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन क्या है कि अगर घर में कोई सबसे ज्यादा एल्डेस्ट, मतलब जो घर का बूढ़ा इंसान अगर कोई आ जाता है, तो इनके घर का ट्रेडिशन ये कहता है एक बहू जो होगी, जो डॉटर इन लॉ होगी, वो खड़े होके क्या करेगी, दीवार के पीछे छुप जाएगी और घूंघट कर लेगी। ऐसा ही किसने किया? ऐसा ही मुकेश की जो एल्डर ब्रदर की वाइफ है उसने किया। और घर में सबसे बड़ा कौन था? घर में सबसे बड़े थे जो कि है मुकेश के फादर, बेसिकली। तो मुकेश के फादर जैसे ही घर में घुसते हैं तो ये जो है ना क्या करते हैं, ये घूंघट कर लेती है उनको देखकर। तो यहां वो कहती है एनीस जंग कि देखो, इस घर में जो एल्डेस्ट है वो है एक इम्पोवरिश्ड मैन, मतलब जो बहुत ही गरीब है। वो कौन है? मुकेश के पापा। तो मुकेश के फादर ऐसे थे जिन्होंने बेसिकली जो फेल रहे अपने बच्चों को स्कूल भेजने में, जो फेल हुए अपने घर को रेनोवेट करने में, लेकिन उन्होंने इन सालों में बस एक ही चीज करी है, वो क्या है, अपना आर्ट अपने बच्चों को सिखाया। आर्ट किस चीज का? आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। फिर वो कहती हैं कि ये जो मुकेश के फादर है ना, पहले ये टेलर थे, फिर ये बैंगल मेकर बने, राइट? और इन्होंने इस प्रोफेशन में एक ही काम किया कि अपना जो ये आर्ट है बैंगल मेकिंग का, ये अपने बच्चों को सिखाया, अपने बच्चों को, मुकेश को और मुकेश के भाई को कभी स्कूल नहीं भेजा। तो यहां एनीस जंग जो है ना, मुकेश की ग्रैंड मदर से जब ये पूछती हैं कि पहले ये टेलर थे फिर ये बैंगल मेकर क्यों बने, तो उस टाइम पर जो मुकेश की दादियां वो रिप्लाई करती हैं कि देखो, ये ना इसका कर्म है। किसका? मुकेश के फादर का। ऐसे कहते हैं ना कि भाई ये तो भगवान चाहता था, ये तो उसके भाग में था, ये तो उसके कर्म में था, तो वही मुकेश की दादी बोलती हैं। जबकि मुकेश की दादी का जो हस्बैंड था, उनकी खुद की, मतलब मुकेश के जो दादाजी थे, उनकी आंखें चली गई थी सिर्फ इसी काम में, बैंगल मेकिंग के काम में, उसको पॉलिश करते करते। और यही लेडी अब कह रही है कि भाई ये जो मुकेश के फादर है, ये बैंगल मेकर इसलिए बने, रीजन बींग कि ये गॉड लीनिएज बिजनेस है, भगवान ने इसे दिया है, एंड भगवान की दी हुई चीज को कोई भला कैसे टाल सकता है। और कहती हैं कि ये शायद उसकी डेस्टिनी में, उसके कर्म में लिखा था, राइट? तो हमें यहां पर इनकी थिंकिंग भी पता चलती है कि एक कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस है बेसिकली इनका। फिर आगे वो कहती हैं कि फिरोजाबाद के कहीं भी चले जाओ, फिरोजाबाद में आपको हर जगह बैंगल्स के स्पाइरल्स मिलेंगे, मतलब गोल गोल बैंगल्स मिलेंगी आपको, ठीक है, कांच की चूड़ियां मिलेंगी, हर कलर की मिलेंगी, रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, वो 7 कलर की तो चूड़ियां मिलेंगी मिलेंगी, इसके साथ साथ उन 7 कलर्स में जो कलर आप मिक्सअप करके बना सकते हो उस कलर की भी बैंगल्स आपको देखने को मिलेंगी। और सभी बैंगल्स जो है वो अनकैम्प्ड यार्ड में ऐसे रखी हुई है, क्योंकि बहुत सारी बैंगल्स वहां बनती है। अनकैम्प्ड का मतलब क्या है? डर्टी यार्ड, राइट? एंड कहने का मतलब है फिरोजाबाद की गलियां जो है इतनी साफ सुथरी नहीं है, इसलिए इन्होंने अनकैम्प्ड यार्ड बोला है। फिर वो कहती हैं कि जो ये शैंटी टाउन है, शैंटी टाउन किसको रेफर कर रहा है? फिरोजाबाद को। तो वो कहती हैं कि फिरोजाबाद एक शैंटी टाउन है, मतलब यहां पर रफली बिल्ट हाउस है, तो रफली को हम शैंटी कहते हैं।
राइट। तो वो कहती हैं कि यहाँ पर सारे घर कैसे बने हुए हैं, स्लम एरिया की तरह रफली बिल्ट है, हाफ बिल्ट है। तो वो कह रही है कि ये जो शेंटी टाउन है ना, इसके अनकैम्प्ड यार्ड में आपको चूड़ियां ही चूड़ियां देखने को मिलेंगी, इसके अनकैम्प्ड यार्ड में आपको इसके अलावा जो फोर व्हील्ड कार्ट्स होती हैं जिसको हम ठेला कहते हैं, उस पर भी आपको इन बैंगल्स का पाइलअप देखने को मिलेगा। और इन हैंड कार्ट्स को या फिर ये कह लो इन ठेलों को कौन चलाता है, यंग मैन चलाते हैं और वो इन बैंगल्स को बेचते हैं। फिर आगे वो कहती हैं कि उन्होंने फिरोजाबाद में एक यंग गर्ल को देखा, सविता को। सविता ना मैकेनिकली उसके हाथ ऐसे फटाफट से घूम रहे थे, किस चीज के लिए, ये जो कांच के पीसीज हैं उसको वो सोल्डर कर रही थी, मतलब उसको ऐसे ऐसे करके ज्वाइन कर रही थी और उसको गोल शेप दे रही थी, राइट। तो वो यहां कहती है एनीस जंग कि ये जो छोटी सी बच्ची है ना सविता, जिसके साथ में एक बड़ी लेडी भी बैठी है, एल्डर वुमन भी बैठी है, इस सविता, ये सविता इन कांच की चूड़ियों को बहुत अच्छे से बना रही है, ऐसे लग रहा है कि जैसे इसको ये आर्ट बहुत अच्छे से आता है, राइट। फिर वो साथ साथ एनीस जंग ये भी कहती हैं कि देखो सविता भी यंग गर्ल है, इसे पता भी नहीं होगा कि ये जो ग्लास की बैंगल्स हैं इनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इनकी सैंक्टिटी है एक इंडियन वीमेन की लाइफ में। फिर हमें एनीस जंग बताती हैं कि देखो इंडियन वीमेन की लाइफ में ना जो ये बैंगल्स हैं, ग्लास बैंगल्स, बेसिकली जो कांच की बनी हुई बैंगल्स होती हैं, इनका क्या महत्व है। एक्चुअली ये सुहाग की निशानी मानी जाती हैं। फिर वो कहती हैं कि सविता को एक दिन तब रियलाइज होगा जब वो एक ब्राइड बनेगी, उसके हाथ में हीना की मेहंदी लगेगी रेड कलर की, उसके फेस पर रेड कलर का घूंघट होगा, उस दिन उसे रियलाइज होगा जब वो ब्राइड बनेगी कि ये जो ग्लास बैंगल्स है इनकी क्या इंपॉर्टेंस है एक इंडियन मैरिड वीमेन की लाइफ में। तो ये किसको सिंबलाइज करती है, सुहाग को। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई ग्लास बैंगल्स किसको सिंबलाइज करती हैं इंडियन वीमेन की लाइफ में, इट सिंबलाइजेस सुहाग, राइट, देयर सुहाग बेसिकली। फिर वो कहती है इस एल्डर वुमेन को तो पक्का पता होगा कि इन ग्लास बैंगल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो पहले बहुत साल पहले कभी शायद ब्राइड बनी है, क्योंकि उसके हाथ में भी अभी भी जो है ग्लास बैंगल्स उसने पहनी हुई है, दो उसको अभी ढंग से दिखाई नहीं देता। फिर ये एल्डर वुमेन जो है ना, ये एनीस जंग को कहती है कि इसने आज तक ना इस बिजनेस में आज तक भर पेट खाना नहीं खाया। तो यहां पर एनीस जंग कहती है कि देखो कमाल की बात है, फिरोजाबाद में ये जो लोग बैंगल मेकिंग का काम करते हैं ना, इन्होंने अभी तक भरपेट किसी ने भी खाना नहीं खाया, लेकिन फिर भी ये लोग इसी बिजनेस में जाते हैं। क्यों? रीजन ये है कि इन लोगों में हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है कोई रिस्क लेने की, कोई अदर बिजनेस करने की। फिर बाद में एनीस जंग जो है वो इस एल्डर वुमेन के हस्बैंड से बात करती है, और इसका जो हस्बैंड है वो क्या बात बोलता है, इनका हस्बैंड बोलता है एनीस जंग को कि भाई उसने पूरी जिंदगी एक चीज कमाई है। क्या कमाया है? उन्होंने कहा कि देखो पूरी जिंदगी मैं और मेरी वाइफ, मेरे बच्चे भरपेट खाना खाएं या ना खाएं, बट एक चीज मैंने बना के दे दिया, वो है घर, एक शेल्टर मैंने अपने बच्चों को दे दिया। अब ये बात सुनकर एनीस जंग कहते हैं कि अगर कोई भी इसकी बात को सुनेगा ना बहुत वंडर फील करेगा, क्योंकि लोग दिन रात काम में लगे रहते हैं, 24 घंटे काम करते रहते हैं, और बहुत सारे लोग जो है ना वो इनकेपेबल हैं घर खरीदने के, लेकिन ये बंदा, इसने क्या किया है, इस ओल्ड मैन ने जिंदगी भर बैंगल मेकिंग के प्रोसेस से एक घर तो खरीदा एटलीस्ट, राइट। फिर वो आगे कहते हैं कि हर घर में यही कहानी है कि ये लोग बैंगल मेकिंग प्रोसेस में तो हैं, इस बिजनेस में तो हैं, लेकिन इनको भरपेट खाना नहीं मिलता। कमाल की बात ये है, जो यहाँ पर यंग मैन है ना वो भी इसी बिजनेस में काम करते हैं। एंड किल ऑल द इनिशिएटिव का मतलब यहाँ क्या है, देखो ये जो यंग मैन है ना, ये सारा दिन यही माइंड नंबिंग काम करते हैं, सारा दिन दे टॉयल इन द बेसिकली द फर्नेसेस ऑफ बैंगल मेकिंग। तो ये वहां बैठकर बैंगल्स बनाते हैं दिन रात, इतने थक जाते हैं ना कि इनके जो इनिशिएटिव होते हैं, जो प्लान्स होते हैं, इनके जो ड्रीम्स होते हैं, वो वही मर जाते हैं। तो यहाँ एनीस जंग कहते हैं कि ये जो यंग पीपल है ना, ये सपना देखने की हिम्मत ही नहीं करते, क्योंकि इनके सपने बिल्कुल चकनाचूर हो जाते हैं। रीजन बीइंग, जब ये बैंगल मेकिंग का काम करते हैं, पूरे दिन काम करते करते इतना थक जाते हैं कि इनके प्लान्स ये ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, अपने प्लान्स को आगे नहीं लेके जा पाते, अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते। प्लस एक और चीज है, इनमें वो हिम्मत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि फिरोजाबाद में अगर कोई और बिजनेस चूज करना है, दैट मींस यू आर टेकिंग अ रिस्क, और जब फिरोजाबाद की बात आती है तो किसी में हिम्मत नहीं है रिस्क लेने की। फिर वो कहती हैं कि ये जितने भी यंग मैन है ना, ये इन मिडिल मैन के चक्कर में फंसे हुए हैं। मिडिल मैन कौन है? मनी लैंडर्स, जो पैसे उधार पर देते हैं। अब देखो क्या होता है, जो फिरोजाबाद के लोग हैं ना वो हैं, मैं यहां बताती हूँ आपको, देखो जो फिरोजाबाद के लोग हैं वो है पुअर पीपल, राइट। दे बोरो मनी, उनको उधार पे पैसा चाहिए, किससे पैसा चाहिए, वो पैसा लेंगे इन मिडिल मैन से।
तो अब क्या होता है ना, जब ये मिडिलमैन इनको पैसा देते हैं, पैसे के साथ साथ ये इंटरेस्ट लगा देते हैं, और ये जो फिरोजाबाद के गरीब लोग हैं ये इंटरेस्ट पे नहीं कर पाते। अब एक बात बताओ, अगर एक आदमी इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएगा तो उसका सारा का सारा बोझ किस पर जाएगा? उसके बेटे पर जाएगा। तो ये जो यंग मैन है ना, ये इसी चीज में, इसी लैमेंट में या इसी स्पाइरल में, इसी सर्कल में घूमते रहते हैं, क्योंकि इनके फादर्स, फोर फादर्स इन मिडिलमैन का पैसा चुका नहीं पाते। तो वो बोझ किस पर आता है? इन यंग मैन पर आता है, राइट? और यंग मैन भी इन्हीं मिडिल मैन के ट्रैप में फंसे रहते हैं, क्योंकि ये भी पैसा नहीं चुका पाते। फिर इनके बच्चे, मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये लोग इन मिडिल मैन के चक्कर में फंसे रहते हैं। और हम ये देखते हैं कि ये मिडिल मैन, ये जो फिरोजाबाद के लोग हैं ना, इतने गरीब हैं, गरीबी की वजह से इनमें अपैथी भी आ जाती है, लैक ऑफ कंसर्न, क्योंकि इनके लिए अभी हाल फिलहाल खाना मैटर करता है। एंड इनमें आप देखेंगे कि देखो, ग्रीड यहाँ पर दो चीजों को सिंबलाइज करता है। एक तो ये भी हो सकता है कि भाई इन लोगों के पास पैसा नहीं है, राइट? और फिर ये लोग लालची बन जाते हैं और बाद में जाकर इनके साथ इनजस्टिस होता है, क्योंकि लालच अपने आप आ ही जाएगा ना जब गरीबी बहुत होगी। और दूसरा यहाँ पर ये मीनिंग भी है कि इनको इन मिडिल मैन का ग्रीड झेलना पड़ता है। एंड अगर ये इन ग्रीड, देखो जैसे कि ये जो मिडिल मैन है, इन्होंने इन पुअर पीपल को कैप्चर कर रखा है, नॉट ओनली एल्डेस्ट पीपल, इनफैक्ट इनके बेटों को भी इन्होंने कैप्चर कर रखा है, राइट? और ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाते रहते हैं, लेकिन ये लोग इंटरेस्ट पे करने के लिए तैयार नहीं हो, मतलब लाइक इंटरेस्ट नहीं पे कर पाते। तो अब ये ग्रीड किसका हुआ? ग्रीड मिडिलमैन का हुआ ना। तो ये क्या होता है ना कि ये मिडिलमैन के ग्रीड से, उनके लालच से निकल ही नहीं पाते, उसके ट्रैप में फंसे रहते हैं। और अगर ये इन मिडिलमैन के अगेंस्ट आवाज उठाएं तो इनको, इनके साथ इनजस्टिस होता है, राइट? तो अब देखो, एनीजन कहती हैं इन सभी यंग लोगों को, यंग मैन को, कि तुम्हें कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते इन मिडिल मैन के अगेंस्ट? तो उनको रिप्लाई ये मिलता है, ये यंग मैन कहते हैं, एक्चुअली अगर हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कोऑपरेटिव बना लिया ना मिडिल मैन के अगेंस्ट, तो हमें ही पुलिस धक्के मार के ले जाएगी, जेल में डाल देगी और हमें कह देगी कि तुमने इलीगल काम किया और इस वजह से हमें पीटेगी, राइट? तो उस इनजस्टिस की यहां बात हुई है, ओके? इसके बाद वो कहती हैं कि फिरोजाबाद की ऐसी कहानियां सुनकर उनको दिखता है कि यहां पर दो सर्कल है। एक सर्कल तो ऐसा जो इन गरीब लोगों का, जो गरीबी के वेब में, गरीबी के जाल में घिरे हुए हैं, ऊपर से यंग मैन बेचारे जिनके ऊपर एक स्टिग्मा लगा दिया जाता है कि तुमको बैंगल मेकिंग प्रोसेस में ही आना है, बैंगल मेकिंग ही करना है बड़े होकर, क्योंकि हाँ, अच्छा एक और चीज है, फिरोजाबाद के लोग बैंगल मेकिंग बिजनेस में इसलिए आते हैं क्योंकि इनका यह कहना है कि हम ना बैंगल मेकिंग कास्ट में पैदा हुए हैं, हम एक ऐसी जात में पैदा हुए हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ बैंगल मेकिंग की जाती है। तो ये और स्टिग्मा इन लोगों पर लग जाता है, राइट? तो एक कैसी फैमिली हुई जो कि गरीबी के जाल में फंसे रहते हैं, राइट? एंड दूसरी कौन सी, जो विशियस सर्कल है। विशियस सर्कल मतलब जो कि इन गरीब लोगों को अपने जाल में फंसाए रहते हैं, जैसे कि मिडिलमैन, पुलिसमैन, लीगल कर्मचारी हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, राइट? ये सब लोग, अब ये सब लोग मिलकर जो ये विशियस साइकिल है, जैसे कि जो अमीर लोग हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, मिडिलमैन हो गए, मनी लैंडर्स, बेसिकली पुलिसमैन हो गए, ये सब मिलकर इन गरीब लोगों के कंधों पर एक बैगेज डाल देते हैं। किस चीज का बैगेज? बहुत सारी चीजों का, इंटरेस्ट हो, पैसा हो, इनजस्टिस हो, कुछ भी हो, राइट? तो इन लोगों का बहुत एक्सप्लोइटेशन करते हैं। अब ये यंग मैन में भी इतनी ताकत नहीं होती कि ये इनके अगेंस्ट खड़े हो जाएं, क्यों? क्योंकि इन्होंने बचपन से ये देखा है कि इनके फादर भी इनके आगे बेसिकली इनकी बात मानते आए हैं। तो ये यंग लोग भी क्या करते हैं, जो इनके फादर्स बेसिकली करते आए ना, वही ये भी करते आ रहे हैं, क्योंकि इनमें भी हिम्मत खत्म हो चुकी है। जब इनके पापा लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो ये लोग तो कैसे उठा सकते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट एनीस जंग वांटेड टू कन्वे हियर। फिर वो कहती हैं कि जब ये सब बातें होती है ना, उनको मुकेश की याद आती है, एनीस जंग को, और मुकेश की बातें याद करके उनको खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? वो कहती हैं कि देखो, ये सब लोग इसी जाल में फंसे रहेंगे, जो ये शैंटी टाउन है ना फिरोजाबाद, इसमें सब लोग बेसिकली इसी जाल में फंसे रहेंगे, ये सब लोग ना इससे बाहर आएंगे ही नहीं बैंगल मेकिंग बिजनेस से, लेकिन मुकेश एक ऐसा है जो वन डे पक्का जाकर मोटर मैकेनिक बनेगा। तो ये चीज सोच सोच कर ना इसको बड़ी खुशी होती है, इनीस जंग को, कि भाई मुकेश ऐसा है, ये पक्के से पक्का एक दिन मोटर मैकेनिक बनेगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही इंसिस्ट करता आया है दैट वन डे ही विल बिकम अ मोटर मैकेनिक एंड ही विल लर्न टू ड्राइव अ कार। तो यहां पर जब वो उसके बारे में सोचते तो उनको अच्छा लगता है इनीस जंग को, कि चलो एक तो है ऐसा जो इन मिडिलमैन के चंगुल से बाहर निकलना चाहता है, एक तो है ऐसा जो इस फिरोजाबाद से
टाउन से अलग हटकर कुछ करना चाहता है। फिर वो कहती हैं मुकेश को कि क्या तुम एरोप्लेन नहीं उड़ाना चाहते? तो मुकेश ना इस टाइम पर ग्राउंड की तरफ, जमीन की तरफ देखकर कहता है नहीं। लेकिन उसके मन में ना रिग्रेट नहीं होता, हालांकि उसके मन में थोड़ा सा वो आता है, बट रिग्रेट नहीं होता कि क्यों वो एरोप्लेन नहीं उड़ाना चाहता। लेकिन एक चीज यहां ध्यान रखना, जब वो मुकेश से पूछते कि क्या तुम एरोप्लेन उड़ाना नहीं चाहते, तो मुकेश जमीन पर देखकर जवाब देता है नो। दैट टाइम ही रिप्लाइड बाय लुकिंग एट द ग्राउंड। तो इस बात से हमें यह समझ आता है शायद मुकेश को पता ही नहीं है कि एरोप्लेन ऊपर से उड़ते हैं, राइट? तो इसीलिए तो वो नीचे जमीन पर देख रहा है रादर देन लुकिंग अप टू द स्काई। बट इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। इनिश जंग कहती हैं कि इस बच्चे ने जिंदगी भर अपनी लाइफ में हमेशा सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों को ही हर्टलिंग करते हुए देखा। हर्टलिंग, HURTLING, हर्टलिंग, दैट मीन्स मूव, राइट? तो वो कहते हैं कि इस बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों को ही तो देखा है यहाँ वहाँ जाते हुए, तो ऑब्वियसली सी बात है इसका सपना गाड़ी से ही रिलेटेड होगा। फिर वो कहते हैं वैसे भी फिरोजाबाद में क्या है ना कि बहुत ही कम एरोप्लेन ऐसे हैं जो ऊपर से उड़कर जाते हैं बेसिकली। सो यहाँ पर ना इनिश जंग इस पूरे चैप्टर में बताना ये चाहती हैं कि आपके अंदर एक जील होनी चाहिए। हम अगर साहिब आलम की बात करें, साहिब आलम क्या करता है, अपनी स्थिति को एक्सेप्ट कर लेता है, अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करता है और वो टी स्टॉल शॉप पर जाकर काम करने लगता है, राइट? एंड ही इज नॉट द मास्टर ऑफ हिज ओन लाइफ। बट इन दिस मुकेश हम क्या देख रहे हैं, इनिश जंग कहते हैं कि मुकेश साहिब आलम से अलग है। मुकेश जो है पक्का एक दिन अपनी जिंदगी का खुद का मास्टर बनेगा, ही विल क्रिएट हिज ओन डेस्टिनी। तो यहां पर हमें बताते हैं कि जो मुकेश है ना वो बेसिकली इस वेब ऑफ पॉवर्टी, इस वेब ऑफ स्टिग्मा क्या कि बैंगल मेकिंग कास्ट में ये लोग पैदा हुए हैं। तो ये कहते हैं कि ये इस दिन इस चीज से जरूर बाहर आएगा एंड एक दिन मुकेश पक्का मोटर मैकेनिक बनेगा एंड वो अपनी लाइफ को रूल करेगा। ही वुड बी द मास्टर ऑफ हिज ओन लाइफ। This is what she says. Thank you so much for watching this video. And अगर कोई doubt है, comment section आपका इंतजार कर रहा है. Thank you.